हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन लेडीज़ पैटर्न है, इसे बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं। बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक, स्कर्ट सभी में ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगेगी। तो और लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ पुलोवर, शर्ट जैकेट किसी में भी डाल सकते हैं। गर्ल्स के टॉप में बना सकते हैं, नीचे 2 लेयर 3 लेयर कुछ भी डाल के पूरा स्वेटर बना सकते हैं प्लेन। ये देखिए, ये बैक साइड से इस तरह से है, ये इसका फ्रंट साइड है। इसको किसी भी तरीके से अपने हिसाब से इस डिज़ाइन को मैनेज कर सकते हैं, तो स्वेटर बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो आज हम लोग इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये डिज़ाइन कैसे बनती है। तो ये 26 फंदों में बनने वाली डिज़ाइन है टोटल। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन कितनी खूबसूरत है। तो ये 26 फंदों में बनेगी डिज़ाइन। ये इस डिज़ाइन के लिए बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इस डिज़ाइन को डाल के स्वेटर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो 26 फंदों के हिसाब से मैंने 26 26 के मल्टीपल से फंदे डाले हैं, 2 फंदे एज स्टिच किए हैं। मैं 2 पैटर्न बनाऊंगी ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो नेक्स्ट डिज़ाइन, क्योंकि आधी आधी डिज़ाइन 26 फंदे की है, फिर आधी डिज़ाइन 26 फंदे की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक सीधा, फिर 1 2 3, 3 फंदा उल्टा। फिर ये देखिए, यहाँ पे जाली बन रही है। अब इसके बाद ये 5 5 रो है सीधे की, तो अब ये हम फंदा पीछे करके एक सीधा बनाएंगे, एक सीधा, फिर 3। इसको हम बबल बनाना है हमें, इसमें हमें 5 फंदे जो हम सीधा बनाएंगे इसमें हमें 5 बार बुनना है और इसमें हमें बबल बनाना है। तो देखिए, बबल मैंने इस तरह से बनाया है और इसको मैंने 5 बार उसमें बुना है। अब नेक्स्ट बबल देखिएगा कैसे बनाया, फिर 3 उल्टा, फिर फंदा इसमें, फिर बबल बनाना है। तो फंदा एक सीधा बुना, फंदा इस तरह से लपेटा, फिर एक सीधा, फिर फंदा लपेटा, फंदा सीधा। तो ये 5 बार बना के बुन के फिर उसको मैंने सलाई पे बैक लेके और इसको बुन लिया है सीधा। आप बबल किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ये मैंने इसमें इसी तरीके से डाला है, तो इसमें छोटे बबल बन रहे हैं। और ये 3 उल्टा, अब फिर से मैं बबल बनाना है, 5 बबल हमें बनाने हैं सीधी लाइन में। फिर एक सीधा, फिर लपेटा फंदा, फिर एक सीधा, फिर लपेटा, फिर एक सीधा। ढीले हाथों से बनाएंगे ताकि सिलाई में आसानी से चला जाए। तो अब देखिए, एक तरीका ये भी है बबल बनाने का, ये थोड़ा सा इसमें बबल बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है इससे, क्योंकि इसके फंदे दोबारा बुन लिए जाते हैं उल्टी तरफ से, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ठोस सा हो जाता है। अब इसके बाद हम इन 5 फंदों को एक साथ 5 का 1 कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा सिलाई में जाने में इस तरह से ऊपर से उतार लेने में आसानी रहती है, तो एक एक करके सारे फंदे हम उतार के इस तरह से उतार लें। 4 फंदे हम 5वें फंदे पे उतारेंगे। फिर एक फंदा, फिर इस फंदे को बुन लिया। तो ये थोड़ा सा हार्ड सा बबल होता है जो बहुत ही अच्छा दिखता है देखने में, तो
थोड़ा टाइम भले लगता है। अब तीन फंदे उल्टे, तो हमारे तीन बबल हुए। अब फिर से एक बबल बनाना है, लपेटा फंदा सीधा बन के, फिर लपेटा फंदा सीधा बन के, पाँच हो गए। अब इस बार भी मैं इसी तरह से आपको एक बार और बना के दिखा देती हूँ कि इस तरह से उल्टी साइड में आके सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। आप अपना को आप जो भी तरीके से बबल बनाते हैं वो तरीका भी अपना सकते हैं, और नहीं तो इसमें से जो आपको ज़्यादा सही लगे वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बनाना चाहें तो इस तरह से बना लें, नहीं तो वो बनाना चाहें तो उस तरह से बना लें। तो ये बबल चार बबल हो गए, तीन उल्टा, तीन तीन फंदे के गैप पे हमें ये बबल बनाने हैं और पांच बबल बनेंगे। एक सीधा फंदा लपेटा, एक सीधा फंदा लपेटा, तो ये हम पांचवा बबल हमारा है। तो अब मैं इस तरह से ही इस पे बना रही हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था जिस तरीके से। तो ये हमारे पांच बबल हो गए, फिर तीन उल्टे, फिर तीन उल्टे के बाद फिर एक फंदा सीधा, फिर फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक सीधा बनेंगे, फिर फंदा आगे करके जाली बनाते हुए एक सीधा। अब सेकंड पैटर्न हमारा स्टार्ट हो चुका है। फिर एक दो तीन, तीन उल्टा, अब फिर से हमें इस तरफ के सारे बबल बनाने हैं, पांच बबल। फंदा सीधा बुना, लपेटा, फिर फंदा सीधा, फिर एक लपेटा। ढीले हाथों से बुनेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तीन बार बुनेंगे, दो बार लपेटेंगे तो ये पांच फंदे बन जाएंगे। और फिर इन इन पांच फंदों को हम इस तरह से सीधा बुन के निकाल लेंगे, तो फिर तीन उल्टे। अब सेकंड बबल, बहुत ही आसान से डिज़ाइन है। बस फर्स्ट रो में हमें ये जब डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो इसमें बबल बनाने हैं, उसके बाद सारी बुनाई सिंपल है। तीन उल्टा, एक सीधा, फिर लपेटा, फिर सीधा, फिर लपेटा, फिर सीधा। तीन उल्टा, तो ये हम पांच फंदे का एक फंदा कर लेंगे। तीन उल्टा, अभी हमारा पांचवा बबल है।
तीन उल्टा, एक सीधा, एक जाली, एक सीधा, फिर एक सीधा। इस तरह से ही हमने सारे फंदों को पहली सिलाई बुन ली है और फंदे डिवाइड हो गए हैं डिज़ाइन के भी। अब उल्टी सिलाई में हमें जो जैसा दिखाई देगा वैसा बुन लेना है, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। तो एक, दो, तीन, चार, और चार फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, तो इस तरह से हम तीन फंदे सीधे एक फंदा उल्टा, पांच बार ये आएगा, तीन फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। तीन फंदा सीधा एक उल्टा। अब ये देखिए ये तीन उल्टे हो जाएंगे, ये जाली बना के हमने फंदे बढ़ा लिए हैं, तीन उल्टे हो जाएंगे। और फिर एक चौथा उल्टा भी हो गया, अब तीन सीधे एक उल्टा, तीन सीधा, 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 एक, दो, तीन, चार, चार उल्टे हो गए। तो ये हमारी दो सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। तो ये हम दो डिज़ाइन बनाने की वजह से थोड़ा सा इसमें टाइम लगा। अब नेक्स्ट रो थर्ड फंदा स्लिप किया एक, अब ये दो सीधे हो गए, फिर एक जाली बनाएंगे, फिर सीधा बुनेंगे, फिर तीन उल्टा, फिर एक सीधा, तीन उल्टा, एक सीधा, तीन उल्टा, एक सीधा। तीन उल्टा एक सीधा। तीन उल्टा एक सीधा। तीन उल्टा एक सीधा। फिर एक, अब ये हमारे यहाँ पे जाली बनेगी। तो ये हमारे एक, दो, तीन, पांच बबल हो गए, दो और भी, दो रो सीधी की, तो ये सात रो है तीन उल्टा सीधे की। फिर एक जाली बनाते हुए सीधा बुनेंगे, एक, दो और ये तीन, तीन फंदे जाली के, एक सीधा, सॉरी एक जाली और एक सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, 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 एक फंदा सीधा।
तीन फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर बाकी के तीन फंदे एक जाली बनाते हुए एक दो तीन फंदे सीधे। तो ये हमारी सेकंड थर्ड रो में दो जाली हो जाएगी। अब उल्टी सिलाई हम उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी चार रो कंप्लीट हो गई। रो फिफ्थ, फंदा स्लिप करेंगे, तीन तीन फंदे सीधे, एक स्लिप करने के बाद तीन फंदा सीधा, फिर एक जाली है हमारी थर्ड जाली है, फिर एक सीधा, फिर तीन उल्टा, एक सीधा, तीन उल्टा, एक सीधा। रो फिफ्थ है ये, हम सात बार हमारा ये आएगा तीन उल्टा और एक सीधा। तीन उल्टा और एक सीधा, तीन उल्टा एक सीधा। फिर अब ये देखिए, अब यहाँ पे हमें फिर से जाली बनानी है। जब ये पांच सात बार हमारा हो जाएगा तीन उल्टा एक सीधा, तीन उल्टा एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो अब उसके बाद भी हमें जाली बनाते हुए एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे। तो ये हमारे अब अगली सिलाई में सात फंदे हो जाएंगे। फिर एक सीधा बुनने के बाद तीन उल्टा एक सीधा, तीन उल्टा एक सीधा, ये सात बार हमें इस तरह से बनाना है। इसके बाद तीन उल्टा सीधा बनने के बाद फिर हम जब सात बार हमारा ये अप्लाई हो जाएगा, फिर लास्ट में हमें एक जाली यहाँ पे देखिए, ये हमें इस सीधे के साइड में हमें जाली बनानी है। ये हमारी थर्ड जाली है और एक दो तीन, तीन फंदे सीधे और एक एक स्टिच का फंदा। तो ये हमारे अगली रो में हमारे अब चार फंदे हो जाएंगे सीधे के। तो ये देखिए, ये हमारे फंदे धीरे धीरे एक से धीरे धीरे फंदे बढ़ते हुए सात फंदे हो जाएंगे। अब ये हमारी छठवीं रो हमने उल्टी पे उल्टा सीधे पे सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारी सेवेंथ रो है, फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे, फिर जाली, फिर एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये हम सारी पूरी सिलाई में इस तरह से सात बार हम ये बना लेंगे, तीन फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। फ्रेंड्स, बहुत आसान सी डिज़ाइन है, बहुत आसानी से बुनाई भी बढ़ने वाली डिज़ाइन है, क्योंकि बस फर्स्ट रो में हमें एक बार बबल बनाना है, उसके बाद फिर इजीली हम सीधे उल्टे की डिज़ाइन बनाते रहेंगे। अब जब सेवन बार हमारा तीन उल्टा और एक सीधा हो जाएगा, उसके बाद फिर से हमें एक जाली बनानी है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे फिर से जाली बनेगी, ये चौथी जाली है। ये हमारी रोज सेवेंथ है, एक जाली और अब बीच के सात फंदे सीधे, एक जाली, एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर एक जाली, फिर एक सीधा, तीन उल्टा, फिर एक जाली,
तीन उल्टा, एक सीधा, तीन उल्टा, एक सीधा, तीन उल्टा, ये हमारी रो सेवेंथ है। इसी तरह हमें पूरा कर लेना है। लास्ट में फिर हमें एक जाली सेवन बार सीधा बनाने के बाद, तीन सीधा तीन उल्टा, फिर एक जाली बनाएंगे और लास्ट के चार फंदे सीधे और एक एक स्टिच का फंदा। अब यहाँ पे जाली बनेगी, फिर एक दो तीन चार और ये एज स्टिच का पांच फंदे ये हो गए। तो ये हमारी सेवेंथ रो कंप्लीट हो गई। रो एट हमें उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। अब ये देखिए हमने आठ सलाइयाँ पूरी कंप्लीट कर ली है। अब रो नाइन्थ पे हैं। अभी सिलाई से हमें थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज करनी है। फंदे चेंज होंगे, फंदा स्लिप करेंगे और ये पांच फंदे सीधे बुनेंगे। और ये हमने अभी तक चार जाली बनाई है, पांचवी जाली यहाँ पे बनेगी फंदा आगे करके। और इस तरह से फंदे उतार के बैक लूप से दो फंदे का एक फंदा करना है, सीधे फंदा और एक फंदा उल्टा लेंगे। फिर दो फंदे सीधे, हमारा एक फंदा घट गया। अब ये देखिए ये सीधा फंदा जो जा रहा है इसे उतारेंगे और एक उल्टा फंदा, दो फंदे का एक फंदा बैक लूप से, फिर दो फंदा उल्टा और एक दो, दो फंदा एक कर देंगे बैक लूप से, फिर दो फंदा उल्टा। तो इस सिलाई में हमारे टोटल फंदे सेवन फंदे, सिक्स फंदे हमारे घट जाएंगे। दो का एक कर दिया, फिर दो उल्टा बैक लूप से, दो फंदे का एक फंदा सीधा बुनते हुए, फिर दो उल्टा, दो फंदे का एक फंदा सीधा बुनते हुए बैक लूप से, दो उल्टा, फिर एक सीधा। ये देखिए हमें यहाँ सीधा बनाना है, फिर उसके बाद जाली बनानी है। फिर जाली बनाते हुए ये बीच के फंदे हम पूरे बुन लेंगे। ये हमारे नौ फंदे थे, अब ग्यारह फंदे हो जाएंगे। फिर जाली बनाते हुए दो फंदे का एक फंदा करेंगे सिलाई पर उतार के बैक लूप से। रिपीट पैटर्न करेंगे उसी को हम जैसे अभी हमने बनाया था। फिर तीन फंदा उल्टा, फिर दो फंदा, इसी तरह से हम बैक लूप से दो फंदे का एक फंदा करते जाएंगे, फिर दो फंदा उल्टा, दो फंदे का एक फंदा, दो उल्टा, दो फंदे का एक फंदा बैक लूप से सीधा बनते हुए, दो फंदे का एक फंदा सीधा बनते हुए, फिर दो उल्टा, फिर दो फंदे का एक फंदा सीधा बनते हुए, दो उल्टा, दो फंदे का एक फंदा सीधा बुनते हुए, फिर एक उल्टा, सॉरी दो उल्टा। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। एक सीधा बुनेंगे और एक फंदा, फिर जाली बनाते हुए पांच फंदे सीधे, एक एज स्टिच का फंदा। तो ये हमारी सिलाई नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई। दसवीं सिलाई हमें सारी उल्टे पे उल्टा बुना बन उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा बना लेना है। तो नवीं रो में हमारे फंदे घट गए हैं और 10 सिलाइयाँ हमारी हो गई रो इलेवेंथ। अब ये देखिए हमारी एक दो तीन चार पाँच, पाँच जाली बनी है। अब हमारी इसमें छठी जाली बनेगी। चार जाली के बाद हमें फंदे घटाने हैं, फिर ये फंदा स्लिप करके फंदे सीधे बनाते हुए, ये सिक्स फंदे हो गए, तीन तीन छः, फिर एक जाली,
फिर इसको फिर से हम करेंगे दो फंदे का एक फंदा सीधा बुनते हुए। अब हमारा दो का एक और एक उल्टा, दो का एक सीधा बैक लूप से फिर एक उल्टा, तो ये हमारे फंदे इसमें फिर से घट रहे हैं। दो का एक, एक उल्टा, दो का एक सीधा बैक लूप से एक उल्टा, दो का एक सीधा फिर एक उल्टा। दो का एक, अब यहाँ पे एक सीधा फिर एक जाली फिर बीच के 11 फंदे उल्टे। अब उसके बाद फिर से एक जाली और एक दो का एक सीधा बैक लूप से। फिर एक उल्टा, फिर दो का एक सीधा एक उल्टा, एक एक उल्टा, दो का एक सीधा बैक लूप से, दो का एक बैक लूप से सीधा एक उल्टा। फिर दो का एक बैक लूप से सीधा एक उल्टा, एक सीधा फिर एक जाली फिर लास्ट के सारे फंदे में उल्टे बना लेने हैं, सॉरी सीधे बना लेने हैं लास्ट के सारे फंदे। अब ये हमारी रो 11th कंप्लीट हो गई। 9th रो में भी हमने फंदे घटाए और 11th रो में भी घटाए। अब ये उल्टी सिलाई हमारी उल्टे पर उल्टा सीधे पे सीधा बुन के कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरह से हमने 12 सिलाइयाँ बना ली। रो 13 हमारी है, तो फंदा स्लिप करेंगे, फंदा सीधा बुन लेंगे जाली तक, फिर एक जाली बनाएंगे। अभी देखिए ये फंदे भी हम दो का एक कर लेंगे इस तरह से, ये हमने दो का एक कर लेना है। अब सारे फंदे जो हमारा एक उल्टा बचा था उसे भी दो का एक कर लेना है। इस सिलाई में फंदे को बैक लूप से दो का एक कर लेना है, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इसके दो का एक। ये हमें सारे फंदे दो का एक कर लेने हैं। जो सीधे सीधे फंदे हैं जाली तक, फिर लास्ट का आखिरी फंदा सीधा सिंगल। तो ये हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 फंदे बचे, 7 फंदे सॉरी, फिर एक जाली, फिर 11 फंदे, 13 फंदे सीधे, 2 का 1 सीधा,
फिर दो का एक सीधा उल्टा मिला के। दो का एक सीधा बुनते हुए, फिर दो का एक सीधा बुनते हुए, फिर दो का एक सीधा बुनते हुए, फिर लास्ट में हम एक फंदा सीधा, और फिर ये देखिए ये हमारे 3 4 5 6 7 सात सीधे हैं। उसके बाद एक जाली और सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी रो 13 है। 14th रो हमारी उल्टी पे उल्टा सीधे पे सीधा बुनते हुए ख़त्म कर लेनी है। अब 14 सिलाइयाँ हमारी हो चुकी है। 15th रो, रो 15th में हमें सिर्फ जाली बनानी है जहाँ पे हम जाली बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे फंदे जो हमने घटाए हैं वो हमें पूरे करने हैं कंप्लीट। तो अब यहाँ पे हमें एक जाली बनाना है और बीच के 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर एक जाली हमें बनाना है, फिर यहाँ पे हमारी जाली बन जाएगी। फिर बीच के सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बना लेने हैं। जाली तक, सॉरी, सीधे सीधे बुन लेने हैं। बीच के सारे फंदे जो सीधे बुने हैं इन्हें जाली तक हमें सीधे बुन लेना है। उसके बाद फिर से हमें एक जाली बनानी है। तो टोटल हमें 9 जालियां बनानी है। 9 जाली बनने के बाद हमारी डिज़ाइन के सारे फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हमने 7 7 7 जाली बनी थी, ये इस सिलाई में हमारी 8वीं जाली बन जाएगी। अब उल्टी सिलाई पे हमें सारी उल्टी पे उल्टा और सीधे पे सीधा बना लेना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 सिलाई हो गई है, 8 जाली हो गई है। अब हमें इस सिलाई में 9वीं जाली हमारी बनेगी, तो 18 सिलाइयों, ये हमारी 17th रो है। फंदे जाली तक हम सीधे सीधे बुन लेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, फिर सीधे बुन लेंगे सीधे फंदे, फिर से जाली बनाएंगे, बीच के सारे फंदे सीधे बुन लेंगे जाली तक। इस सिलाई के बाद हमारे फंदे सारे मेंटेन हो गए, जो हमने 3 बार में हमने 6 6 फंदे करके फंदे घटाए थे। जाली तक फिर सीधा बुनेंगे, फिर जाली बनाएंगे, फिर सीधा बुन लेंगे, फिर उल्टी सिलाई में हमें उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारी टोटल 18 सिलाइयाँ हो गई और 18 तरफ फंदे हमारे घटे भी हैं। तो टोटल डिज़ाइन में 18 घटाया, फिर 18 फंदे बढ़ाए भी।
नौ नौ फंदे, नौ जाली के एक साइड की, नौ जाली के एक साइड की, तो नौ दुनी 18 फंदे हमने बढ़ाए और 18 फंदे हमने घटाए। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बन गई है। अब हमें नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करना है। फंदा स्लिप करेंगे, फिर से एक सीधा बुनेंगे। मैं इस डिज़ाइन स्टार्ट करके दिखा दे रही हूँ। अब हमें बबल बनाना है, एक नहीं सॉरी, अभी हमें जाली बनाते हुए एक सीधा बुनना है, फिर तीन उल्टा बुनना है, फिर यहाँ से बबल बनाना है। एक सीधा, फिर लपेटेंगे, फिर एक सीधा, फिर लपेटेंगे, फिर हम इनको एक साथ बुन लेंगे पांच फंदों को। तो ये बबल तैयार हो गया। फिर तीन उल्टा, फिर एक बुना, एक लपेटा, एक बुना, तो पांच फंदे हो गए। पांच फंदे को एक साथ हम बुन लेंगे। इस तरह से बनाएंगे तो फंदे ढीले बुनने पड़ेंगे। फिर तीन उल्टा, तो ये हम इस तरह से पांच बबल बनाएंगे। तीन उल्टा के बाद एक सीधे फंदे में एक बबल, ये देखिए यहाँ से बीच के सेंटर में ये डिज़ाइन आ रही है। जो ये हमारा थर्ड डब्बा बबल होगा वो सेंटर में आना चाहिए। फिर एक बबल, तीन उल्टा, फिर एक बबल, फिर तीन उल्टा, फिर एक बबल, फिर तीन उल्टा। बबल बनाने के बाद फिर तीन उल्टा, तीन उल्टा के बाद फिर एक सीधा। अब इसके बाद फिर एक जाली के लिए फंदा आगे, फिर एक सीधा, फिर एक जाली के लिए फंदा आगे। ये देखिए ये सेंटर में ये फंदा हमारा आ रहा है। फिर एक जाली, फिर एक सीधा, फिर तीन उल्टे, तीन उल्टे, फिर एक बबल, तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। अब यहाँ पे एक बबल बन गया। फिर तीन उल्टा, फिर बबल, फिर तीन उल्टा, फिर से एक बबल, तीन उल्टा, फिर से एक बबल,
तो ये हमारे चार बबल बन गए। अभी एक और बनेगा, तीन उल्टा, फिर ये चौथा पांचवा बबल, अभी ने हम तीन फंदा उल्टा उल्टा बना लेंगे और एक फंदा सीधा। फिर एक जाली, एक सीधा, फिर एक एज स्टिच का सीधा। तो ये हमारे फंदे नीचे की तरफ ऊपर भी स्टार्ट हो गए। अब यहाँ से हमारा नया पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, जो अभी हमने पूरा 18 सलाइयों का बनाया है इसी को हमें बार बार रिपीट करना है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएं तो लेयर्स डिज़ाइन की आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, एक लेयर बनाएं, दो लेयर बनाएं, तीन लेयर बनाएं, या पूरे प्रोजेक्ट में बनाना चाहे तो पूरे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, लेकिन एक दो लेयर, तीन लेयर तक डिज़ाइन सफिशेंट रहेगी, बहुत अच्छी लगेगी। बच्चों की फ्रॉक में बनाए तो पूरे लेयर्स बढ़ा सकते हैं तो उसमें अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये डिज़ाइन समझ में आ गई होगी और डिज़ाइन पसंद भी आई होगी, बताने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नई डिज़ाइन के साथ आप लोगों से फिर मिलूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा डिज़ाइन देखने का, मेरे वीडियोस देखने का और मेरे चैनल पे विज़िट करने का। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल पे विज़िट करते रहें और मेरे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच।